संजय पाठक का बयान, नल जल मिशन को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार घोटाले की सरकार है। वहीं कुछ विधायकों ने भी नल जल मिशन में कर्मियों की बात कही। पूर्व मंत्री और विधायक संजय पाठक का कहना है कि कुछ तकनीकी कर्म से कई जगह पानी नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन उन्होंने मांग की है कि किसी भी तरीके से हर घर में नल जल मिले, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। देखिए, कई जगह डीपीआर में भी कुछ गड़बड़ी ये हुई कि गाँव में जैसे 6 मोहल्ले हैं, तो जब शुरू में डीपीआर बनी होगी तो जिसने भी डीपीआर बनाई उसने एक आध दो मोहल्ले छोड़ दिए, तो वो एक आध दो मोहल्ले में पानी के लिए हमने यही आग्रह किया कि डीपीआर में जो मोहल्ले किसी गांव में अगर छूट गए हों तो उनको वापस सर्वे करके सम्मिलित कर लिया जाए। कई जगह ऐसी भी हैं कि जो शिकायत आई कि पानी नहीं है। पानी नहीं होना भी जेन्यून कारण इसलिए भी है कि जो बोरिंगें हुई जल जीवन मिशन के तहत, बोरिंग में अब अंडरग्राउंड पानी ही नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या इंतजाम है अपने पास, उसके लिए अपन अन्य व्यवस्था क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने 4 जगह 6 जगह बोरिंग करा के देख लिया और अंदर अंडरग्राउंड वाटर पानी नहीं मिल रहा है, तो आसपास के कोई नदी ऐसी हो, क्या कोई टैंक हो पानी का, कोई तालाब हो या कोई बड़ा बांध हो जहाँ से पानी लाया जा सके, तो वहाँ से व्यवस्था करके पानी लाना चाहिए अगर भूमिगत जल अपने पास उपलब्ध नहीं हो रहा। तो ये सब विषय है और ये टेक्निकल विषय है, ये इसलिए नहीं कि कोई भ्रष्टाचार हो गया है इसलिए पानी नहीं निकला। अब जमीन के नीचे पानी नहीं निकला तो इसमें क्या भ्रष्टाचार होगा, लेकिन पानी तो देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर को पानी पहुंचाना है, चाहे हमें 10 किलोमीटर दूर से लाना पड़े चाहे 50 किलोमीटर दूर से लाना पड़े, पानी लाना है। पाइपलाइन बिछा के लाओ, जहां मिले वहां से लाओ और हर घर में पानी पहुंचाओ। जो मोहल्ले बस्ती छूट गए उस जगह तक भी पाइपलाइन बिछा के पानी को पहुँचा के देना, यही मांग मैंने आज की थी।